हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे बैडमिंटन में एक प्रॉपर टॉस हम कैसे मार सकते हैं और इसके टेक्निक में आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टॉस मारने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप राइट हैंडी प्लेयर हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका राइट लेग आपके लेफ्ट लेग से थोड़ा सा पीछे हो। अब जब आपका ये फर्स्ट स्टेप हुआ, अब सेकंड स्टेप में आपका जो रैकेट है वो आपके हेड के जस्ट ओवर साइड हो, पीछे की साइड हो। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपके शटल के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये रैकेट को सबसे हाइट पे उठाते हुए, शटल को सबसे हाइट से हिट करते हुए आपको अपना रैकेट लेफ्ट साइड की ओर मूव करना है। ये आपका टॉस मारने का एक बेसिक वे होता है, जिसपे आपका नॉर्मली आपका रैकेट पूरे शटल को ऊपर से हिट करते हुए नीचे की ओर आता है, जिसपे आपका बॉडी का पूरा फ्लो जो पावर है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो ये आपके टॉस मारने का एक प्रॉपर वे होता है। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, आपका राइट लेग आपके लेफ्ट लेग से पीछे, हैंड आपके हेड के ओवर साइड, फिर आप हिट करते हैं और आपके हैंड को वापस अपने जगह पे लाते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आप टॉस हिट करने जाएं तो शटल आपके बॉडी से हमेशा आगे ही रहनी चाहिए। जैसे ही शटल आए तो आपके बॉडी के हमेशा आगे की ओर ही आए, तभी आप उसको प्रॉपर तरीके से हिट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करना है। ये शटल है तो आप उसको प्रॉपर हिट करेंगे और इसके बाद आपको अपने नॉर्मल पोजीशन में आना है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आने के बाद आपको एक पंच करना है शटल पे, तब जाके वो एक स्ट्रोक बनेगा। और ध्यान रखना है कि जब भी आप हिट करने जाए तो शटल आपके रैकेट के सेंटर पे लगना चाहिए। एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा यही चीज करके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सेफ रहें।